साउथ सुपरस्टार राम पथिनेनी को स्कंदार ट्रेलर रिलीज। जबरदस्त एक्शन फिल्म रे राम पथिनेनी। हरिपति फूल खंबा। थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। एही दमदार डायलॉग रु साउथ सुपरस्टार राम पथिनेनी को एंट्री हेउछि। आगामी फिल्म स्कंदार ट्रेलर रिलीज होइछि। ट्रेलर रे राम कहउछन्ति मो पंचर साउंड चारमीनार पर्यंत सुभिबो, आउ तो चित्कार लालकिला पर्यंत। परे आउ एक सीन रे राम कहइछन्ति लोके पथर रे थिबा मूर्ति को तो पूजा करंती, किंतु घरे रहुथिबा मां बापा को भूली जांती। तबे एही जबरदस्त ट्रेलर को देखि फैन मूवी देखिबा को पागल होइछन्ति। 2 मिनिट रो ट्रेलर एकदम पावर पैक रहिछि। पुष्पा, केजीएफ 2, कांतारा एवं आरआरआर भली सुपरहिट फिल्म परे एबे साउथ इंडस्ट्री रे आउ एक बड़ मूवी आसुछि। साउथ इंडस्ट्री रो बहु प्रतीक्षित फिल्म स्कंदार जेबेटू अनाउंसमेंट होइछि, फैंस माने मूवी को देखिबा को चाहि बसिछन्ति। तबे ट्रेलर रिलीज हेउ हेउ धमाका मचाइछि। राम पथिनेनी का अभिनीत स्कंदा मूवी रो हिंदी ट्रेलर अगस्त 27 तारीख रे रिलीज होइछि। दुई मिनिट रो एही ट्रेलर रे भरपूर एक्शन रहिछि, एथिरे फैन को एक्साइटमेंट लेवल भी हाई रहिछि। ट्रेलर रो आरंभ राम पथिनेनी का स्वाग एवं जबरदस्त डायलॉग रु होइछि। एहा परे हीरोइन श्री लीलांक सह राम को नोकझोक मध्य दर्शक एन्जॉय करचंति। फिल्म रे एक्शन सीन व्यतीत लव सीन एवं फैमिली प्रति भल पाइबा मध्य देखिबा को मिलिबो। तबे ट्रेलर रो फर्स्ट पार्ट रे राम को हैंडसम एवं चॉकलेटी लुक्स थिबा बळे सेकंड पार्ट रे राम को सीरियस अंदाज रे देखिबा को पाइबे। तबे फैन मानन को एही मूवी निश्चित भल लागिबो बोली फिल्म रो डायरेक्टर आशावादी अछंति। स्कंदा मूवी व्यतीत राम को आगु को आहुरी मूवी रिलीज हेबार अछि। आइस्मार्ट रो सिक्वेल डबल आइस्मार्ट रे नजर आसिबे। एही फिल्म रो मुख्य भूमिका रे संजय दत्त मध्य नजर आसिबे। तबे गदर 2, ओएमजी 2, जेलर एवं ड्रीम गर्ल 2 परे राम बॉक्स ऑफिस रे सब रेकॉर्ड भांगिबे बोली कुहा जाउछ। एही फिल्म पूर्वरु शाहरुख खान को जवान मूवी रिलीज हबो। स्कंदा एवं जवान मूवी मध्ये रे कड़ा प्रतियोगिता देखिबा को मिलबो। तबे देखिबा को बाकी रहिला केउ मूवी बाजी मारुछि, कारण एजाए राम पथिनेनी को गोटिए भी मूवी फ्लॉप होइनि। एक्शन, इमोशन एवं रोमांटिक सिक्वेंस को नहीं एही मूवी रे रहिछि हाई ड्रामा। तबे देखिबा को बाकी रहिला किए बाजी मारुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।